2014 में कियारा आडवाणी की पहली फिल्म आई फुगली, जो 13 जून 2014 को रिलीज हुई और यह दोस्तों फिल्म टॉप साबित हुई। 2016 में कियारा आडवाणी की फिल्म आई एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और यह 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई और जो मूवी सुपरहिट हुई। 2017 में आई इनकी फिल्म मशीन, जो 17 मार्च 2017 को रिलीज हुई और यह मूवी डिजास्टर साबित हुई। 2018 में इनकी मूवी आई भारत आनी नैनी, जो 20 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2018 में इनकी मूवी आई लस्ट स्टोरीज, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, नेटफ्लिक्स पर 15 जून 2018 को रिलीज हुई। 2019 में इनकी मूवी आई विनया विद्या रामा, जो 11 जनवरी 2019 को रिलीज हुई और हिट साबित हुई। 2019 में ही इनकी फिल्म आई कबीर सिंह, जो 21 जून 2019 को रिलीज हुई और यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2019 में ही इनकी फिल्म आई गुड न्यूज, और यह 27 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई और यह मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2020 में इनकी मूवी आई गलती, जो 6 मार्च 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। 2020 में ही इनकी मूवी आई लक्ष्मी, जो 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई और फ्लॉप साबित हुई। 2020 में ही इनकी मूवी आई इंदु की जवानी, जो 11 दिसंबर 2020 को रिलीज हुई और यह मूवी भी दोस्तों फ्लॉप साबित हुई। 2021 में इनकी मूवी आई शेर शाह, जो 12 अगस्त 2021 को OTT प्लेटफार्म पर रिलीज हुई। 2022 में इनकी मूवी आई भूल भुलैया 2, जो 20 मई 2022 को रिलीज हुई और यह मूवी सुपरहिट साबित हुई। 2022 में इनकी मूवी आई जुग जुग जुयो, जो 24 जून 2022 को रिलीज हुई। तो दोस्तों, यह था कियारा आडवाणी का फिल्मी अब तक का फिल्मी सफ़र। आपको इनमें से कौन कौन सी मूवी पसंद है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।